दिल्ली में ठंड और सियासत दोनों अपने चरम पर है। मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जबरन एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू है। सियासत के जोर के बीच ये विरोध और नारेबाजी का शोर है। जिसमें हर कोई एक दूसरे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहा है। एमसीडी के मेयर पद पर छिड़ी लड़ाई के बीच दिल्ली का माहौल गर्मा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल के आवास के पास अपना गुस्सा जता रही है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त हो हल्ला है। ये वो जगह है जिसे चंदगीराम अखाड़ा कहते हैं और यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के सीएम का आवास है और यही वजह है कि बीजेपी की ये जो यूनिट है यह यहाँ से प्रदर्शन और मार्च करते हुए सीधे आवास की तरफ जाएगी। पुलिस ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है ताकि इन्हें वहाँ पर जाने से रोका जा सके। इन सब के बीच आप पोस्टर्स में देख सकते हैं, बाकायदा पोस्टर वॉर हो रहा है, जहाँ पर उन पोस्टर्स में तमाम जो आप एमएलएज हैं और वो लोग जो कि सदन में हंगामा करते हुए दिख रहे थे, उसे हथियार बनाया है दिल्ली बीजेपी ने। और एमसीडी की सत्ता की इस जंग में विधायक से लेकर सांसद तक सड़कों पर नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में नारे लगा रहे हैं। केजरीवाल जब तक माफी नहीं मांगेगा हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल जब तक माफी नहीं मांगेगा हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल हाय हाय। केजरीवाल हाय हाय। सड़क पर छिड़ी सियासी तनातनी के बैकग्राउंड में वो बवाल है जो शुक्रवार को मेयर चुनाव से पहले एमसीडी सदन में हुआ। मनोनीत पार्षदों के चुनावी अधिकार पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और फिर हंगामा बढ़ता गया। शुक्रवार को सदन में हुआ सियासी बवाल 48 घंटों बाद सड़क पर आ गया। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आईं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। कई सारे लोगों को कह रखा है कि भाई क्या आम आदमी पार्टी डर गई, आम आदमी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही, इसका मतलब आम आदमी पार्टी डर गई। अब ये क्या बात हुई? बेईमानी बीजेपी कर रही है। हम उनकी बेईमानी चलने दें तो हम साहसी हैं, तो हम बहुत वीर हैं, और हम उनकी बेईमानी पकड़ ले हाथ करके तो कह रहे हैं तुम डर गए। ये एक नई परिभाषा मैंने इस दुनिया में सुनी कि भाई बेईमानी चलने दो, आंख पे पट्टी बांध लो तो तुम वीर हो, और तुम किसी की बेईमानी पकड़ लो तो तुम डर गए। शर्म करो। मसला मेयर के चुनाव का है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी भी लड़ाई में पीछे नहीं। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। एटी साहब इस लेवल पे सेटिंग करने में लगे हुए कि सेंट्रल जोन में कैसे बीजेपी का जोन का चेयरमैन बन जाए, सेंट्रल जोन से कैसे कोई मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए बीजेपी का, उसके लिए क्या गणित लगा सकते हैं, क्या डर्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उस तक में एलजी साहब शामिल है। सोचिए ये पद, इतना बड़ा संवैधानिक पद को कहां गिरा के लेके आए हमारे एलजी साहब।
अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा, तो कानून के हिसाब से, आपके हिसाब से कानून नहीं चलेगा, कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेक्शन 3 में अरविंद अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पूरा अधिकार है चुनने का मनोनीत पार्षद। आपको डर किस बात का है? आपको डर इस बात का है कि कहीं अभी क्रॉस वोटिंग ना कर दे। 6 जनवरी को एमसीडी के सदन में जैसा हंगामा हुआ उसे हर किसी ने देखा। अब ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में जबरदस्त बवाल मचा है। राम किंकर सिंह और पंकज जैन, दिल्ली आज तक।